जलेबी है, 40 दिन खा ले। अच्छा, इसके ऊपर देसी गाय का दूध पी ले। अच्छा, गालों को लाल कर देगी, गाल लाल हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब मेकअप की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं जरूरत। और टाइमिंग वाइमिंग क्या रहने वाली है? 6:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद टांग छान ले बावरी और किया कर ले लाल, वजन करेगा बाल का तो झक मारेगा का। अच्छा जी, तो महाराज जी क्या हाल चाल? राधे राधे, रानी की जय। अच्छा, उनकी हनुमान की जय जय। और प्यारे रनपुर वाले, क्या खिलाऊं तुझको बता? जो बनकर वो खिला दो आप। कसौली ऐसी है जी जी, तेरे कानपुर में धुएं नहीं मिलेगी बेटा। अच्छा, देख इसका मसाला देख ले, मतलब पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। देख देख मसाला देख इसका। देख रहे देख रहे, क्या क्या रहता है मसाले में? ये मूंग दाल का मसाला है, 1 हफ्ते खराब नहीं होगी वो कसौली। अच्छा, 1 हफ्ते खराब नहीं होगी? 1 हफ्ते खराब नहीं होगी। देख मजा आ रहा है कि नहीं? कैसा है? आनंद आ गया। इसके साथ में 3 तरह की सब्जियां हैं। 3 तरह की? हाँ, अभी मैंने 2 तरह की सब्जी डाली है, इनको टेस्ट कर अलग अलग और फिर बता कैसा है। तीसरी वाली फिर बाद में दूंगा। महाराज जी, 3 तरह की कौन कौन सी सब्जियां हैं? दम आलू और कद्दू खट्टा मीठा डाला है मैंने। अच्छा, अभी ये आयुर्वेदिक झोल नहीं डाला है, पहले उनको टेस्ट कर दूंगा। तो महाराज जी मजा आ गया खा के? अभी मजा तो यहाँ अभी दिया ही नहीं है तेरे को। अच्छा, अभी दिया ही नहीं है? अभी मजा तो दिया ही नहीं है बेटा। अच्छा, इस पानी को जरा चाय की तरह घूट लगा। अच्छा, चाय पीते हैं। मजा तो दिया है तुझको, मतलब चाय फेल है इसके आगे। बिल्कुल। तो महाराज जी, हमने सुना है लोग इससे, क्यों महाराज जी, हमने सुना है लोग कुल्ला करते हैं यहाँ पे। हेलो, नाम भैया ब्रजवासी। अरे पेपर नहीं लेता, पेपर नहीं ले तो हमको मजा आवे। अच्छा, हाँ, पैसे ले लेता है, नहीं मजा नहीं आएगा। अच्छा जी बेटा, ये वो जलेबी है? ये तो जलेबा है, इसको लगातार 40 दिन खा ले। अच्छा, इसके ऊपर देसी गाय का दूध पी ले। अच्छा, गालों को लाल कर देगी, गाल लाल हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब मेकअप की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं जरूरत। लड़कियों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। तो महाराज जी, क्या क्या रहता है अपने पास? ये फाफड़ा जलेबी गुजरात का फ्लेवर। अच्छा, ये पोहा जलेबी एमपी फ्लेवर। अच्छा, ये पूरी कचौड़ी तो यूपी है ही बेटा, मतलब पूरे इंडिया का फ्लेवर रखे हो आप। बिल्कुल। तो महाराज जी, कचौड़ी का कारोबार कब से चल रहा है? बेटा, हमारे पिताजी के टाइम से चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो कौन सी जनरेशन है ये आपकी? दूसरी पीढ़ी कर रही है। दूसरी पीढ़ी कर रही है। तो लोकेशन क्या रहने वाली है, जैसे किसी को आनंद लेना हो आपकी कचौड़ियों का? तो बेटे देखो, हम बैठे हुए 84 कोस के बीचों बीच बैठे हुए हैं। अच्छा, विश्राम घाट। हाँ, 84 कोस के बीचों बीच है। अच्छा, वो भी 4 पहिए वाले हैं। हाँ हाँ, वो अगर बंगाली घाट होते हुए आए। अच्छा, तो मेरे पास गाड़ी आ जाएगी उनकी। अच्छा अच्छा, और किसी रास्ते से आए तो उनको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मतलब जन्मभूमि से आएंगे तो फिर वहाँ से नहीं आना। जन्मभूमि से वो गाड़ी नहीं आने देंगे पुलिस वाले। और टाइमिंग वाइमिंग क्या रहने वाली है? 6:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद टांग छान ले बावरी और किया कर ले लाल, वजन करेगा बाल का तो झक मारेगा का। अच्छा जी, एक बात क्या होगा महाराज जी? झक तो भांग छलेंगे बेटे। अच्छा, मतलब प्रोग्राम है। अच्छा, बिल्कुल। आप कहाँ से खाने आई हैं इनकी कचौड़ियाँ? अरे वो मुंबई से आई है, मतलब इतनी दूर से आई है कचौड़ियों का आनंद लेने? ये यहाँ का स्पेशलिटी है। अच्छा जी, हर साल आता है, कुछ खाता है, हर साल आनंद लेते हो इनकी कचौड़िया का आप? तो भाई ये देख सकते हैं आप, यहाँ हमारा ये आलू दम है और ये कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी है। तो आइए आपको टेस्ट बताते हैं, हम कचौड़ियों के साथ लेते हैं आलू दम और खट्टी मीठी सब्जी। महाराज जी का कहना है कि ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी, और ये टेस्ट करके बताते हैं आपको कि ये पूरे ब्रह्मांड में मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई सच में आनंद आ गया बिल्कुल खाने के बाद इसको। भैया आप कहाँ से आए इनकी कचौड़ियों का आनंद लेने? बागेश्वर धाम छतरपुर एमपी से आया हूँ। उतनी दूर से आए जी? तो यहाँ पे क्या अच्छा लगता है आपको? हम पहले सबसे पहले द्वारकाधीश की और बागी बिहार की दर्शन करते हैं, फिर इनके यहाँ ही ढोकला और कचौड़ी बेड़ा ही खाते हैं। मतलब इनके यहाँ कचौड़ियाँ ना खाओ तो बाकी बिहारी जी नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर असीम कृपा है। अच्छा जी, जो इनकी मुस्कुराहट है ना उसमें अपने आप रसायन आ जाता है सब कचौड़ियाँ। अच्छा जी जी, तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ महाराज जी की आलू की झोल लग चुकी है, दे देखिए। और यहाँ पे लोग कुल्ला करते हैं यहाँ पे ब्रज में। तो आइए हम भी पी के देखते हैं कैसा लगता है इसका टेस्ट।
तो गाइस बिल्कुल इसमें खड़े मसाले बहुत से डले हैं, आप पियेंगे तो आपका बिल्कुल मतलब गला आला बिल्कुल साफ हो जाएगा।